दीपावली पर्व पर नगर में उमड़ी भीड़ नेकी की दीवार के कार्यकर्ताओं ने गरीबों को मिट्टी के दीयों का वितरण किया और लोग मिठाइयों की दुकानों और पूजा के लिए मूर्तियों को खरीदने में व्यस्त दिखाई पड़े। पर्व कोई भी हो, सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदुस्तान की यही तो खासियत है, दीपावली के पर्व पर नगर में उमड़ी भीड़ उदाहरण है। लोग मिठाइयों और मूर्तियों की दुकानों पर खरीदारी करते दिखाई दिए। इस मुबारक मौके पर नेकी की दीवार के गुरमेल सिंह, मुकेश गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गरीबों को मिट्टी के दियो और तेल का वितरण किया ताकि गरीब लीगो भी दिवाली का आनंद ले सके। पीलीभीत से सरफराज अहमद खान की रिपोर्ट। गुरमेल, आज दीपावली पर्व पर आप ये घी और तेल बात वितरण कर रहे हैं, ये कुछ लोगों का इसके पीछे क्या होता है, क्या मकसद है? मकसद देखिए, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। हम लोग आए दिन नेकी की दीवार की तरफ से हम लोग आए दिन गरीबों और सभी लोगों की मदद करते रहते हैं। जैसे आपने देखा है कि लास्ट टाइम हमारी चाय की सेवा सीएससी में चल रही है, उसी तरीके से आज दीपावली का त्यौहार है। हमने देखा है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी केवल गरीबों को दिए दे रहे हैं, वो दिए कैसे जलाएंगे? अगर वो दिए नहीं दे सकते तो उसमें तेल की व्यवस्था और उसमें सब और मिठाई की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए आज हमने दिए तेल और बत्ती की व्यवस्था की है। जो गरीब लोगों के घर में दिए नहीं है वो उन लोगों को हम लोगों ने दिए बांटे हैं। जो रोडों पे जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रह रहे हैं उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है। इससे क्या पाएंगे आप? देखिए, पाना ना पाने की इसमें कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों का कोई स्पेशल इसके पीछे मकसद है। हम लोग समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यंग हमारे नशे की तरफ जा रहे हैं, जो यंग हमारे अपने मकसद से भटक रहे हैं, वो समाज सेवा की फील्ड में आए और लोगों के दर्द को समझते हुए और ये समंजसता का